Hi guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Guys, मैं आज एक कनाडा के बहुत बड़े वेयरहाउस सेल में जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे विंटर कलेक्शन अभी लगा है एंड सब बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीप रेट्स पे वहाँ सब मिल रहा है, तो मैंने सोचा एक टूर उधर का भी बनता है. बट मेरे को एक बात का बहुत ज़्यादा दुख है, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के सारे स्टोर्स का ब्लॉग डाल रही हूँ, प्राइसेस बता रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख ही नहीं रहे हो. वीडियो देखो गाइस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. मैं आप लोगों के लिए अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाल निकाल के ब्लॉगिंग कर रही हूँ एंड आप लोग देख ही नहीं रहे हो, ये गलत बात है. सो आज भी मैं जा रही हूँ आप लोगों के लिए एंड देखो वो वीडियो. आपको भी अगर जाना हो, वो 3 दिन के लिए लगा है वो वेयरहाउस सेल, तो जल्दी जल्दी जाके आओ एंड चीप रेट्स में अपना कलेक्शन लेके आओ. दिखाती हूँ आपको पूरा टूर, चलते हैं साथ में. अभी मैं बस का ही वेट कर रही हूँ गाइस, सो मिलते हैं आगे वीडियो में. गाइस फाइनली मैं पहुँच गई, अभी 1 किलोमीटर जितना चल के मुझे अंदर भी जाना है. सो अभी मैं चलते चलते जा रही हूँ एंड चलते हैं अंदर जल्दी जल्दी. का व्यू देखते हैं. हाँ, कुछ व्यू नहीं. वाह वाह, लेट्स गो. गाइस बस अंदर जाके लाइन ही होनी चाहिए. मैं इतना जल्दी इसलिए आई हूँ ताकि मुझे लाइन में ना लगना पड़े. बस लाइन ना हो, ये प्रे करो. पता नहीं अब कहाँ ही जाना है, यहाँ पे ढूंढते हैं एंड चलते हैं. आई थिंक सो गाइज वहीं पे है, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट्स को जाते हुए देख रही हूँ एंड अभी आपको पास जाके बताती हूँ कि सच में ये सेल है. हाँ दिख गया, चलो मुझे देखो. $10 शू एंड क्लोथिंग शॉप. अगर मुझे यहाँ हुडीज मिल गई तो मैं 3-4 हुडी उठाने वाली हूँ. देखते हैं भाई, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ही जा रहे हैं. अब ऑब्वियसली यार हम ही जाएंगे, इतना सस्ता मिल रहा है. तो मुझे जाना है एंट्रेंस 4 पे. सो गाइस आपको वहाँ बच्चे जाते हुए दिख रहे हैं सब. बाप रे, बहुत दूर था. गाइस ये वेयरहाउस सेल आई नहीं रही, पता नहीं कितनी दूर है. मेरी सुबह सुबह एक्सरसाइज हो गई है यहाँ पे. गाइस यहाँ पे भी लाइन, जल्दी आके भी कोई मतलब नहीं, बस आप लाइन देखो. गाइस ये लाइन यहाँ पे एंडिंग है एंड वहाँ देख लो इतनी लंबी लाइन. माय गॉड, मेरा नंबर तो कभी आएगा पता नहीं. गाइस ये लाइन तो देख लो भाई, पीछे भी. माय गॉड, फ्रेश, मेरा नंबर कब आएगा. गाइस इधर भीड़ ही इतनी है कि थोड़े थोड़े लोगों को ही अंदर जाने दे रहे हैं एंड अभी आधा आधे लोग तो चले गए. अब देखते हैं हमारा नंबर कब आता है. प्लीज़ हमें भी जाने देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. गाइस इतना आगे आके उस सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोक दिया, बस थोड़ा दूर और. शिट यार. गाइस फाइनली हमारा नंबर आ गया है एंड वी आर गोइंग इनसाइड. लोग देखो कैसे थैले निकाल भर भर के जा रहे हैं. हाय. ओह माय गॉड. गाइस मैंने क्यों लिया कल जैकेट. ओह माय गॉड. गाइस हमें तो शूज देखने, चलो शूज.
गाइस सारे शूज सिर्फ $10 के, कुछ भी ले लो आप। वाओ मैन, मैं तो सब लूंगी, सब कुछ $10 का है गाइस। माय गॉड, इसमें से क्या ले और क्या छोड़े। स्लीपर्स तक $10 की। गाइज मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं क्या लूँ। मैंने ये शूज़ तो ले लिया है, अब देख रही हूँ कि और क्या मिल सकता है यहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ, सब कुछ $10 में गाइज, सब कुछ। वाओ गाइज, मैंने तो ये दो शूज़ उठा लिए, अभी मैं और देख रही हूँ। यहाँ पे जैकेट्स थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट ठीक है। शूज तो वाओ, इनको तो ट्राई भी नहीं कर सकते। देखो नॉट बांधी हुई है, देखते हैं, ट्राई तो करने पड़ेंगे, नहीं तो गाइस क्या करूँ। ये स्नूप में तो नहीं पहन सकते, पर अच्छे तो लग रहे हैं। चलो दूसरे ट्राई करते हैं। गाइज मैंने ये शूज़ लिया है, एंड अब मैं मेरी फ्रेंड के लिए ढूंढ रही हूँ, क्योंकि उसका बर्थडे है एंड उसको एक हील्स चाहिए। तो मैंने सोचा अभी आई हूँ तो यहीं से ले लेती हूँ। सो ये ब्लू कौन सी लो गाइज, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। हाई हील्स लूँ, लो हील्स लूँ, पेंसिल हील्स लूँ, ढूंढते हैं गाइज। पर कलेक्शन बहुत अच्छा, जब मैं इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हूँ, कौन सी लो, कौन सा साइज आएगा उसे। इसमें 6 नंबर तो है, बट छोटा ना पड़ जाए। गाइस सब ना सस्ता है, $5-5 में दो बॉटल लो तो $5 की आ जाएगी। वाओ बॉडी स्प्रेस खाली $5 के गाइस। Wet wipes for $2 each. Guys, अभी तक लाइन देखो। My God, इतनी मैं तो निकल गई। Guys, finally, my God, seriously, पहली गिर गई। मैंने ले लिए हैं जो भी मुझे लेना था गाइस, एंड गाइस सिर्फ $20 में आ गया। मज़ा आ गया मेरे को तो, बट मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं क्योंकि फालतू में अभी क्या ही लेना, और जैकेट तो मैंने ले लिया है। सो गाइस आप भी आओ और लेके जाओ, क्योंकि ये सेल अब एक दो दिन और है। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है, हॉल नंबर 4 मिसिसागा में। सो आके लेके जाओ, अच्छा अच्छा कलेक्शन है,
मिलते हैं अब अगले वीडियो में गाइस। होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, और अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरे, और लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं अगली बार, बाय फॉर नाउ।